टुडे। नमस्ते सर। जी बताइए। सर मैंने एचपी का लैपटॉप ले रखा है, अभी लगभग 2 महीने हुआ। तो सर हैंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। बिल्कुल सर, आपकी हेल्प की जाएगी जो आपको इशू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एचपी के कस्टमर केयर से आप बात कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप एचपी कंपनी का अगर कोई लैपटॉप ले रखे हैं या फिर एचपी का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ले रखे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए आपने एचपी का लैपटॉप लिया है, अभी नया नया है या पुराना ही हो गया है, उसमें सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है या फिर लैपटॉप ओपन ही नहीं हो रहा है, या मतलब कोई भी अगर एचपी का आप प्रोडक्ट लिए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर है ना, तो आप एचपी के कस्टमर केयर के पास कॉल करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचपी के कस्टमर केयर के पास आप कॉल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल हम लोग लाइव यहाँ पर बात करके देखते हैं। तो हमको सबसे पहले करना क्या, हमको क्रोम ऐप ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों सिंपली हमको सर्च करना है एचपी कस्टमर केयर नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एचपी कस्टमर केयर नंबर, आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे एचपी का है, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है। अब देखिए एचपी का एक यहाँ पे गैस सिलेंडर भी आता है, तो हम गैस सिलेंडर के कस्टमर केयर के पास नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्ट लैपटॉप मोबाइल फ़ोन आदि इस प्रकार की चीज़ें आती हैं हम उस पर कर रहे हैं। लोगों आप देख सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जो एचपी का गैस सिलेंडर है जो उसके कस्टमर केयर होते हैं उस पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग को कॉल करना है। तो हमको यहाँ पे एक नंबर मिल जा रहा है 1800-419-4962, हमको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देखिए प्लस 91 आगे आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको प्लस 91 हटा देना है। ठीक है, प्लस 91 आप लगा के कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस 91 हटा दीजिएगा, उसके बाद आपको कॉल करना है। चलिए हम लोग कॉल करते हैं। भाषा चूज कर लीजिए। टेक्निकल सपोर्ट ऑर्डर स्टेटस गिफ्ट रिडेम्पशन के लिए 1 डायल करें, होम या पर्सनल यूज के लिए 2 डायल करें, ऑफिस यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए 3 डायल करें, इस मेन्यू को वापस सुनने के लिए 4 डायल करें। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, मैं 2 दबा देता हूँ। पीसीआर टैबलेट खरीदने के लिए 1 डायल करें, लेजर डेस्क या इंकजेट प्रिंटर खरीदने के लिए 2 डायल करें, ओरिजिनल इंक और टोनर कार्ट्रिज खरीदने के लिए 3 डायल करें, इस मेन्यू में वापस जाने के लिए 4 डायल करें, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 डायल करें। एक दबाइए। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग एचपी, माय नेम इज अरुण सिंह, हाउ कैन हेल्प यू टुडे। नमस्ते सर। जी बताइए। सर मैंने एचपी का लैपटॉप ले रखा है, अभी लगभग 2 महीने हुआ। जी सर, हैंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। बिल्कुल सर, आपकी हेल्प की जाएगी, जो आपको इशू आ रहा है उसके लिए माफी चाहेंगे। आपका पूरा नाम और नंबर जान सकता हूँ सर? जी सर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एचपी के कस्टमर केयर के पास कॉल करके बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कॉल कट कर दिया है, हमारा जो प्रॉब्लम है केवल आपको यहाँ पे बात करके दिखाना था, इसी प्रकार से आप बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।